Assalamu alaikum, this is Wasif Riaz. Welcome back to my channel. This is day 15 of my 30 days challenge. So start karte hain. And today was a very hectic day. I had to go to my office aur uske baad abhi takriban 11 bajne wale hain when I'm starting this. It will take me around 1 hour 30 minutes. Takriban 12 sawa 12 tak main free hunga. Yahan se then I'll upload my video. To kafi late ho jayega. Lekin शुरू किया है तो अब कोशिश करेंगे कि ख़त्म भी करें. तो आज जिस बुक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू. तो जैसे जैसे हम अपनी वॉक करेंगे, साथ साथ इस बुक के की मैसेजेस भी डिस्कस करेंगे, विच कुड बी हेल्पफुल फॉर एनीवन हु इज़ वॉचिंग. फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट हो गया, तो बुक के पहले दो की मैसेजेस की बात करते हैं. पहला की मैसेज है कि डोंट पिटी योरसेल्फ, सेल्फ पिटी ना करें. उसमें एग्जांपल दिए कि एक दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बंदा जो है वो कहता शुक्र है चोट वगैरह नहीं लगी किसी को, और दूसरा बंदा अपने आप को अपनी ज़िंदगी को गालियां देने लग जाता है कि यार मेरे साथ बुरा क्यों होता है. तो उसमें यही मैसेज दिया है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हैं, उन पर फोकस करें और लाइफ की नेगेटिव्स पर ज़्यादा फोकस ना करें. दूसरा की मैसेज है कि डोंट लेट एनीवन कंट्रोल योर लाइफ, स्पेशली वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो इस वजह से होता है बिकॉज आप अपने बॉस को अपने डिसीजंस लेने देते हो और अपनी लाइफ के डिसीजंस भी लेने देते हो एक किस्म का. तो ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ एट वर्क, एट होम. बात करें जिसके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है, तो उससे चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाएंगी. जब तक आप नहीं बोलेंगे, सिर्फ दिल दिल में कुड़ते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, तो चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी. आई एम डाउन 2 miles. बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की मैसेज की इस बुक के. तो थर्ड मैसेज है कि रेडिकल चेंज अपनी लाइफ में ना लाने की कोशिश करें, बजाय इसके इंक्रीमेंटल चेंज लेके आएँ. अब एग्ज़ाम्पल भी उन्होंने ऐसी दी है जो मेरे जैसे बंदे पर पूरी बैठती है कि एक बंदा था उसे डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई, तो डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी. तो उसने क्या किया जी, उन्होंने जिम की मेंबरशिप ले ली, सारे स्नैक्स पैंग दिए, सब कुछ कहा कि जी कल से मैं प्रॉपर डाइट करूँगा, 5 days a week एक्सरसाइज करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंज थी तो उसने कुछ नहीं किया. ही एंडेड अप नॉट लूजिंग एनी वेट. उसकी इंटेंशन तो थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया. मैंने भी शायद ये वाला डिसीजन जो लिया था 30 days का, उसी पे बैठते कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ रेडिकल चेंज, आई एम पॉसिबली पुटिंग माई सेल्फ टू फेलियर, कि पता नहीं कब एग्जॉस्ट हो जाऊँ, देन आई यानी कि ये रूटीन टूटेगी, देन आई एम नॉट श्योर वेदर आई जंप बैक इनटू इट. तो वेरी गुड मैसेज के आप छोटी छोटी लाइफ चेंजेस करें पहले एक प्रॉपर प्लान के साथ, और ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको आप इजीली अचीव कर सकें, वो बहुत ज़्यादा स्केरी ना लगे. चौथा इसमें मैसेज है कि जो सिचुएशंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डोंट ट्राई टू कंट्रोल दो सिचुएशंस. वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिस तरह लोगों का बिहेवियर, पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की, बाकी चीज़ें, वट एवर इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट. जितना आप कोशिश करेंगे उसे कंट्रोल करने की, उतना ही आपके स्ट्रेस में इजाफा होगा. तो रिलैक्स एंड लिव इन प्रेजेंट. 3 miles हो गए हैं, बात करते हैं अगले दो की मैसेजेस की. तो पहला, यानी कि दोनों बहुत रिलेटेबल हैं. पहला जो है दैट टॉक्स अबाउट कि डोंट बी अ पीपल प्लीजर. अक्सर हम लोग इस सिचुएशन में आ जाते हैं ड्यू टू फैमिली प्रेशर, या जिस तरह से हम बिहेव करते हैं अराउंड आवर फ्रेंड्स, कि वी टेंड टू बी वेरी एग्रीएबल, हर चीज़ में येस कहते हैं. तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पाइल अप हो जाती हैं, यू बिकम इरिटेबल क्योंकि आपने सबको येस बोला हुआ है, यू आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, तो दैट अफेक्ट्स योर स्ट्रेस लेवल्स, एंड इनफैक्ट आप जो है ना आपकी लाइफ इफेक्ट हो रही होती है. सो लर्न टू से नो इन अ हम्बल वे. अगर कोई आपसे कोई चीज़ पूछे तो येस या नो फ़ौरन से ना कहें, उन्हें कहें कि अच्छा गिव मी सम टाइम, आई थिंक अबाउट इट, और उसके बाद एक दो दिन बाद या अगले दिन सोचने का टाइम लें,
देखें whether you can do it or not, और उसके बाद yes या no बोलें। अगली बात आती है 6 की मैसेज की, ये भी बहुत ज़्यादा relatable है। मोस्टली हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि जहन में हम तुरम खा होते हैं कि यार अगर मैं ये जॉब ना कर रहा होता, मैंने ये कर देना था, मैंने वो कर देना था, लेकिन करते कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते। मैसेज ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क लें ताकि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो अचीव कर सकें, या एटलीस्ट एक दफ़ा ट्राई तो करें ना। ये ना बैठ के सोचते रहें कि यार मैंने शायद बिज़नेस शुरू कर लिया होता, चाय का डब्बा खोल लिया होता, तंदूर खोल लिया होता, होटल खोल लिया होता, आज पता नहीं कहाँ पे होता। तो कुछ स्टार्ट करें छोटा मोटा कैलकुलेटेडली, आपकी जो अगर एक सोर्स ऑफ इनकम है उसको बिल्कुल सेक्रीफाइस ना करें, पैरेलली अपनी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम या जो भी आपकी ड्रीम है उसको पैरेलली चलाएं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है देन यू कैन लेट गो ऑफ योर मंडेन जॉब। आई एम 4 miles डाउन, बात करते हैं अगले 2 की मैसेजेस की। उसमें से एक तो यह है कि डोंट dwell ऑन योर पास्ट, जो पास्ट में हो गया हो गया, उसको कैरी करके अपना प्रेजेंट या फ्यूचर ख़राब ना करें, और अपने पास्ट की बेसिस पे अपने फ्यूचर डिसीजंस भी ना लें। अपने पास्ट रिलेशनशिप्स को अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स पे भी ना अप्लाई करें, सेम एक्सपेक्टेशंस ना रखें लोगों से जो आपकी पास्ट में लोगों से रही हों। तो एवरीथिंग इज़ अबाउट पास्ट। उसके लिए ये है सोल्यूशन कि लुक इन टू द फ्यूचर, टेक योर डिसीजंस, आगे का फोरकास्ट करें, लुक फॉरवर्ड। नेक्स्ट मैसेज is about failing. It's okay to fail. बड़े बड़े successful लोग अपने initial setup में fail हुए हैं। Failure से आप सीखते हैं जब, तो that is more important. तो कोशिश करें कि आपकी जो mistakes आपने past में की हैं जिसकी वजह से आप fail हुए हैं, उनको याद रखें और उनसे सीखें और दोबारा कोशिश करें successful होने की। आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको अप्लाई करें, आप देखें कि आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, वो क्लियर हो, लिखें अपनी लिस्ट, करें सारी पास्ट मिस्टेक्स, और अपने लिए एक किस्म का मुश्किल बना दें कि दोबारा आपसे कोई गलती हो आपकी सेकेंड या थर्ड ट्राई में। आई एम डाउन 4.84 miles अल्हम्दुलिल्लाह, टोटल 75 miles हो जाएंगे आज इंशाल्लाह। तो लास्ट की मैसेजेस की बात करते हैं। वन इज़ डोंट रिजेंट योरसेल्फ, दूसरों से कंपेयर करके अपनी लाइफ को ये ना कहें कि यार मेरी लाइफ ही तबाह है। आप सोचते हो यार वो उस बंदे को पता है वो हर जगह ट्रैवल करता रहता है, लेकिन पहले आप ये सोचते थे कि यू वांट टू स्पेंड मोर फैमिली टाइम, तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। तो इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, अपने गोल्स देखें, अपनी लाइफ देखें, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, और बाकी जो पहले की मैसेजेस से उससे रिलेट करके दोबारा अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें इफ़ यू डोंट वांट टू लिव विद रिग्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अलोन टाइम की। अलोन टाइम की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हाईलाइट की गई है इस बुक में, दैट कि अलोन टाइम ज़रूरी है टू शट ऑफ योर माइंड फ्रॉम ओवर थिंकिंग, आपके माइंड को एक ब्रेक मिले, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क ड्यूरिंग द डे, उसके बाद आपको एक ब्रेक चाहिए। फॉर्चुनेटली फॉर अस मुसलमानों के लिए वो काफ़ी यानी कि लोग अप्लाई भी करते हैं, कुरान पाक पढ़ना, नमाज वगैरह पढ़ना, तो गोरों के लिए वो मेडिटेशन है। तो उस तरह की एक्टिविटीज़ से एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, आप कट ऑफ हो जाते हो अपने वर्क लाइफ से, पर्सनल लाइफ से थोड़ी देर के लिए, दैट्स योर अलोन टाइम, और यू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, अपनी लाइफ, अपने आप के बारे में, और उससे आपकी लाइफ जो है इम्प्रूव होती है। और लास्ट मैसेज है कि प्ले द लॉन्ग गेम, लॉन्ग हॉल, हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें, जैसे कि शायद मैंने ये वाला शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की कि आई एम वॉकिंग 150 miles फॉर अ मंथ टू लूज़ माई वेट और काइंड ऑफ चैलेंज माई सेल्फ फॉर समथिंग, लेकिन लॉन्ग हॉल देखें, अपने गोल्स को एक स्पैन ऑफ टाइम पे एक्सपेंड करें और आहिस्ता आहिस्ता उस गोल को अचीव करें, छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखें, सेट करें, अचीव करें, सेलिब्रेट करें, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट माइलस्टोन। तो दिस इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द मैसेजेस, आई हैव स्किप्ड वन और टू। ओवरऑल रिफ्लेक्शन, इट इज़ गुड इन थ्योरी, आई वुड से
मोस्ट ऑफ द जिसमें जो भी नेगेटिव मैसेज हैं आई कैन अप्लाई ऑन माई सेल्फ कि वो सब कुछ मैं करता हूँ तकरीबन. और काफ़ी लोग शायद जिनसे मैं मिलता हूँ दे हैव द सेम पर्सनैलिटी. शायद ऑडिट फील्ड में अकाउंटिंग फील्ड में ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो गई हुई है. बट आई एम श्योर काफ़ी लोग इसके पॉजिटिव मैसेज को भी यानी कि उन पर अप्लाई होते होंगे. तो रीड दिस बुक थिंक इफ यानी कि कम अज़ कम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरह से भी लेके चल सकते हैं एंड इट कुड इम्प्रूव योर लाइफ, इट कुड इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ. होपफुली आपको मज़ा आया होगा. आई जस्ट कम्प्लीट माई 5 miles एंड आई विल सी यू टुमारो. आई एम डन विद 15 days streak एंड आई एम डन 75 miles. कीप ऑन वॉचिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग इफ़ यू कैन एंड आई विल सी यू टुमारो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.